विदिशा जिले के कुरवाई क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक ने भी खेतों के नुकसान का आकलन किया। आज कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे ने अनुविभागीय अधिकारी आरती यादव, तहसीलदार आशुतोष शर्मा और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ अतिवर्षा, पीला रोग से नष्ट हुई सोयाबीन की फसल का निरीक्षण किया। विधायक ने कहा कि वाकई में किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, परंतु किसानों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं। किसानों का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनका जो भी नुकसान हुआ है उचित सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी आरती यादव ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार पूरे सब डिवीजन का सर्वे कराया जा रहा है। विदिशा कुरवाई से कैमरामैन कासिम अन्नू के साथ आशीष सहले की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी इस मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री पुनः बन गए और किसानों के हितेशी है, उनका कहना भी है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, उनका चेला भी किसान का बेटा है। यहाँ कम से कम 60-70% इसमें नुकसान है। दूसरी बात क्या कि पहली बार ये बीमारी देख रहे हैं हम भी किसान हैं कि गाटर बीटर बीच में से लगा तो मगर आपकी बार जड़ के ऊपर से लगो है, अंदर ही अंदर उसको खोखला कर दिया है सोयाबीन के लिए। इससे सारा का सारा सोयाबीन नष्ट है और आप निश्चित रहें, किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप निश्चित रहें, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे शिवराज जी और अधिक से अधिक आपको मुआवजा मिलेगा, इससे निश्चित रहें। देखिए, जैसा कि इस बार वर्षा ऋतु में हमारे पास कुछ ज्ञापन भी आए और किसान भाइयों के आवेदन भी आए कि फसल के बारे में एक सर्वे कार्य जरूर किया जाए, तो प्राइमर फेसिया कलेक्टर महोदय के निर्देश पे सब डिवीज़न लेवल पे हमने एक टीम गठित की जिसमें राजस्व विभाग का अमला, कृषि विभाग का अमला और पंचायत विभाग का अमला तीनों ने मिलकर एक सर्वे कार्य किया है। सर्वे में हमने लगभग हर पंचायत के हलकों की सर्वे किया है, जहां पर हमें 60-70% सर्वे में मिला है कि नुकसान हुआ है। कुछ खेतों में ये नुकसान 100% तक भी गया है, जैसे कि आज हम माननीय विधायक जी के साथ आकर स्वयं भी निरीक्षण कर रहे हैं, तो इन खेतों में जो मिल रहा है कि फसल अभी हरी दिख रही है पर 7-8 दिन बाद या 10 दिन बाद ये फसल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे अपने सब डिवीज़न लेवल पे नुकसान हुआ है और जो भी मुआवजा राशि यहाँ से क्षतिपत्रक बनेगा उसे हम बनाकर आगे प्रेषित करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।